एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सेंट्रल जांच एजेंसीज के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, बता दें कि ईडी एवं सीबीआई की हालिया कार्यवाही पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना, हमारे सहयोगियों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर परेशान किया जा रहा है। पवार ने आगे जेल में बंद अनिल देशमुख का समर्थन करते हुए कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम कितने भी छापे मार लो, कितनी भी अरेस्ट कर लो, हम आम लोगों को साथ में लेकर महाराष्ट्र राज्य में तुम्हें यानी बीजेपी को कभी नहीं आने देंगे। तुम्हें 100% हार का सामना करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, तुमने अनिल देशमुख को जेल में डाला, उनके हर दिन का और हर उस घंटे की कीमत आज ना तो कल जरूर वसूल होगी।